जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में मैंने बताया था वो दिमाग में है, एक बार रिकैप कर लें थोड़ा फास्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बेसिकली हमें अकाउंटिंग बताता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में कि हमको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम वहां नहीं आती जहां पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। प्रॉब्लम तो तब आती है जब कोई कंस्ट्रक्शन यानी कि रोड, डैम, ब्रिज, बिल्डिंग, अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर यानी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं किसी रोड, डैम, बिल्डिंग, ब्रिज पर काम कर रहा हूं और ये कई साल लेगा कंप्लीट होने में, तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कई साल लेगा काम होने में तो दिस इज माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और अगर ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मेरी सेल है, और अगर ये सेल है तो ये एक साल की नहीं है बल्कि वो 3 या 4 सालों की है, जितने साल में मेरा काम खत्म होगा। और जितने सालों में काम खत्म होगा मैं ये कैसे डिटरमाइन कर पाऊंगा कि कितना परसेंटेज मेरा काम पूरा हुआ है या कितनी रेवेन्यू मेरी इस साल की है, कितनी रेवेन्यू मेरी अगले साल की है। अगर रेवेन्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने कॉस्ट की। जितना कॉस्ट, जितना रेवेन्यू उससे रिलेटेड कॉस्ट, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से और एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। कुल कहने का मतलब ये है कि हमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हर साल का अलग अलग बनाना पड़ता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो इस साल की रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करें, खर्चा कितना रिकॉग्नाइज करें, अगले साल का रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करें, खर्चा कितना रिकॉग्नाइज करें। क्लियर हुआ? ये बेसिकली डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। डन। अच्छा, मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है सर्विस की रेंडरिंग भी शामिल होती है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। हमने आपका काम अंडरटेक किया और उसके साथ साथ मैंने एक इंजीनियर को भी हायर कर लिया कि मेरे इस काम में मदद करो, आर्किटेक्ट को भी हायर कर लिया, सिविल इंजीनियर को भी हायर कर लिया, उनकी भी कॉस्ट, उनकी भी सर्विसेज इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ या ना बोलो? मैंने कहा था जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुराने काम को तोड़ना भी पड़ता है और नई बिल्डिंग बनानी भी पड़ती है। तो जब पुरानी बिल्डिंग को तोड़ेंगे वो भी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जो उसकी जगह रीस्टोरेशन करेंगे वो भी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, साथ ही साथ जो एनवायरमेंट का प्रिजर्वेशन या रीस्टोरेशन करेंगे वो भी हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। बिल्डिंग बन रही है शहर में, पेड़ कट रहे हैं शहर में, लेकिन मैंने जंगल को या उन पेड़ों को रीस्टोर करने के लिए जंगल में पेड़ लगा दिए या कहीं और पेड़ लगा दिए, तो वो भी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल सारे बता दिए थे। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मैंने यहां पर 3 पॉइंट बताए थे और तीनों बहुत अच्छे पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये बताया था कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लेकिन उसमें कई डिफरेंट डिफरेंट हमारी सेपरेट एसेट्स होती हैं, क्या होती हैं? सेपरेट एसेट या सेपरेट कंस्ट्रक्शन होता है। एक 10 बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया मैंने किसी से, 10 बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक ही प्लॉट पर मैंने मैंने ठेका ले लिया। अब क्या वो 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या वो एक ही माना जाएगा? डिपेंड करेगा, आपकी ये तीनों शर्तें अगर पूरी हो गई तो वो अलग अलग माना जाएगा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी वो सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएगा। अगर हर एक एसेट के लिए मैंने हर एक प्रपोजल अलग अलग दिया है तो सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट निगोशिएशंस, सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट निगोशिएशन, सेपरेट सेपरेट हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं उसका पावर। अगर ये तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं और साथ ही साथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है ये तो है ही, हर जगह मिलेगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू मस्ट बी आइडेंटिफाइड, तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो मेरा सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये मेरी एक जमीन है, मुझे एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग और ये तीसरी बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट 1 है, कॉन्ट्रैक्ट 2 है, कॉन्ट्रैक्ट 3 है या सीधे सीधे सब मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट 1 का हिस्सा होगा? इसके लिए ये जरूरी है देखना कि हम इन तीनों को कंबाइन करें या सेपरेट करें।
अगर मैंने तीनों के लिए सेपरेट प्रपोजल भेजे, तीनों के लिए सेपरेट निगोशिएशंस हुए और सामने वाले और मेरे पास ये पावर है, यानी कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के पास ये पावर है कि किसी को हां किसी को ना कर सकते हैं, और हर एक की कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग आइडेंटिफाइड की जा सकती है, तो इस केस में ये तीन कॉन्ट्रैक्ट माने। कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा, अगर मेरे पास एक ही कस्टमर आता है या कई कस्टमर आते हैं तो भी हम इसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। हमें एक जमीन है, मुझे उसमें 10 स्टोरी एक बिल्डिंग बनानी है, इसका मालिक अलग, इसका मालिक अलग, इसका मालिक अलग, इसका मालिक अलग, सबके मालिक अलग अलग, तो भी हम इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे उड़ी बाबा। कब? जब पूरे के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हुआ हो, पूरी बिल्डिंग एक दूसरे के साथ अटैच्ड, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स के पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या क्लोजली रिलेटेड हो और सीक्वेंस में काम होता हो, एक बन जाएगा तो ही दूसरा बनेगा, दूसरा बन जाएगा तो ही तीसरा बनेगा। अगर ये शर्तें पूरी होती हो तो ये मेरा एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले ही कई लोगों से मिला हो। अब बात समझ में आई? द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज निगोशिएटेड इन अ सिंगल पैकेज, क्लोजली इंटर रिलेटेड और कंटिन्यूअस सीक्वेंस, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। चलें तीसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोवाइड करता है एडिशनल एसेट, हम काम कर रहे हैं सामने वाले से, चाहे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लिया चाहे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लिए, वो अलग की बात है, ऊपर डिसाइड हो गया। अगर हम काम कर रहे हैं, सामने वाला फोन करता है, सर जी जरा ये काम भी बढ़ा दीजिए, तो मैं कहूंगा ऐसे कैसे, इसके लिए अलग प्रपोजल तैयार होगा, अलग कॉस्ट और इसकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अलग से तय होगी, और हाँ या ना करना मेरे ऊपर है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर नहीं उसी कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ना है तो फिर मेरा वो उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएगा, और इस पर मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, याद आया? 7 करोड़ 20 लाख आया था ना आंसर शायद। चलो भाई, दो तरह के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक फिक्स कॉस्ट एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने आपको लास्ट सेशन में यह भी बताया था, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर याद हो तो, घर पे पढ़ाई की होगी तो। क्या? एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, याद आया? अच्छा, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को भी दो पार्ट में तोड़ा था, फिक्स्ड प्राइस था नॉर्मल, और दूसरा इसको हम कहते हैं विदाउट एस्केलेशन क्लॉज। और दूसरा रहता है फिक्स्ड प्राइस लेकिन विद एस्केलेशन क्लॉज, याद आया? तीसरा था आपका जितना कॉस्ट लगेगा उस पे कुछ परसेंटेज हम मार्जिन ऐड करके आपसे पैसा, ये तरीके मैंने बताए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट के तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां कुछ दूसरी तरह से लिखा हुआ है, इसको मत ध्यान देना, ये वाला मैंने कहा था चार्ट ध्यान देना, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉस्ट पर पहुंचे थे। हम लोगों को मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट कई सालों में कंप्लीट होता है तो उसके लिए जरूरी है कि ईयर वन का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना लिखें ईयर टू में। मान लो 2 साल में काम कंप्लीट हो रहा है, कितने साल में? तो कुछ काम फर्स्ट ईयर में हुआ होगा सेम कॉन्ट्रैक्ट का, कुछ काम सेकंड ईयर में हुआ होगा, है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट, सेल प्राइस तो एक ही है ना, लेकिन उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, 3 साल का होगा तो 3 साल में तोड़ेंगे, और जिस तरह से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं सेम उसी तरह से हम लोग कॉस्ट को भी रिकॉग्नाइज
करेंगे, लेकिन अभी इतने से कहानी खत्म नहीं हुई। तो बड़े शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझाया गया था कि ये मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से चलना चाहिए। अभी थोड़ी देर में एक नई चीज सीखोगे, ठीक है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब क्या समझाया था ये सब बताया था, और इस पर मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है वो प्लस एग्रीड कॉस्ट जो एस्केलेशन क्लॉज होता है वो प्राइस जोड़ लेंगे, अगर कोई इंसेंटिव मिलता है तो वो जोड़ लेंगे, पेनाल्टी होती है तो वो डिडक्ट कर दी जाएगी, और कोई रिकवरेबल अमाउंट या रीइंबर्स करने वाला अमाउंट होता है तो वो भी एड बैक कर दिया जाता है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन करवाया था पूरा, इसका आंसर आया था 7 करोड़ 20 लाख, 7 करोड़ 40 लाख, 7 20 नहीं 7 40 आया था, करवाया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में बात की थी, क्या क्या शामिल होता है। पहला, जो डायरेक्टली स्पेसिफिकली होती है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जिसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सके, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। वो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात हो रही है, किसी एक साल की नहीं, काम 2 साल में पूरा हुआ, पहले कॉस्ट तो निकालो। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सके, जो हमारी जनरल कॉस्ट होती है जिसको हम एलोकेट करते हैं, वो हमारी आ जाएगी यहां पर, जिसको हम एलोकेट करते हैं। जैसे एक जीएम की सैलरी हो गई, अब साल भर में 50 कॉन्ट्रैक्ट लिए, जीएम तो एक ही है, सैलरी तो एक ही है, किस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने काम किया, सारे कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया, तो उसकी सैलरी सब पर एलोकेट करेंगे नहीं करेंगे, भले ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो एक दिन भी गया हो साइट पर या ना गया हो। बात समझ में आई? एट्रीब्यूटेबल सच अदर कॉस्ट एज पर स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ रिकवरेबल कॉस्ट होती है जो पर्टिकुलर किसी कस्टमर से चार्ज की जानी है, रीइंबर्स की जानी है, तो वो कॉस्ट उसी कस्टमर के ऊपर या जॉब पर या उसी कॉन्ट्रैक्ट पर चार्ज कर ली जाएगी। तो सिंपल सी बात, ये सारी चीजें देख ली थी। ये क्वेश्चन नहीं किया था ना, किया था, छोड़ देते हैं, अभी एक नई चीज सीखते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, हमारे पास दो ऑप्शन है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ढंग से सुनना, 50 करोड़, और मेरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 40 करोड़। ये हमें कब पता चला? ईयर 1 प्लस ईयर 2 का एंड होने के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स वी केम टू नो दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹50 करोड़। यस, इट वाज एग्रीड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वी नो वेरी वेल। बट यस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वी फाइनलाइज इट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द टोटल कॉस्ट कम्स टू ₹40 करोड़। नाउ व्हाट वुड बी द प्रॉफिट? दैट इज 10 करोड़। हाउ टू रिकॉग्नाइज? वी हैव 2 ऑप्शंस। द फर्स्ट वन ऑप्शन वी हैव कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीशन ऑफ, ढंग से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज पर पूरा चैप्टर डिपेंड है। ये जो आप पढ़ रहे हो तुम लोग, इस पर पूरा चैप्टर डिपेंड है, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड। और ये पूरा नाम कहीं इस एएस में मिलेगा नहीं, ठीक है ना? तो फिलहाल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड। दूसरा होता है कंप्लीशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ये 2 रास्ते हैं सर, दोनों का मतलब नहीं समझ में आया। हम एक काम करते हैं, ईयर 1 और ईयर 2 का पीएल अकाउंट बनाते हैं। ईयर 1 में काम कंप्लीट हुआ क्या? कुछ मत करो। ईयर 2 में कंप्लीट हो गया क्या? लिखो सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना, लिखो कॉस्ट कितना, लिखो प्रॉफिट 10। ये पहला मेथड है। कहीं ये तुम लोग को थोड़ा जेन्युइन लग रहा है क्या? थोड़ा भी कहीं जेन्युइन लग रहा है क्या? नहीं, इसीलिए इस मेथड को बिल्कुल नाम ही नहीं दिया गया। इसका मतलब हमें पूरी तरह से इस मेथड को फॉलो करना, क्योंकि हम पहली लाइन से ये बता रहे हैं कि AS7 विल अप्लाई इन दो सिचुएशंस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ओवर्स और टेक्स मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। तो हम इसकी बात करेंगे हमेशा। अब जब इसकी बात करेंगे तो हम जब अपना पीएल अकाउंट या जब अकाउंट्स बनाएंगे, हम कुछ नहीं बना रहे, हम केवल समझा रहे हैं, ये ईयर 1 का और ये ईयर 2 का
काम तो सेकेंड ईयर में कंप्लीट हुआ, तो हम जो सेल लिखेंगे 50 करोड़ की कब लिखेंगे, पहले साल में या दूसरे साल में या दोनों में बांट देंगे, बांटेंगे कुछ इसमें कुछ इसमें। जितना काम यहां हुआ होगा वो सेल इस साल की, और जितना काम यहां हुआ होगा या जो बाकी काम बचा होगा वो सेकंड ईयर में, यही तो बोल सकते हो। कॉस्ट इन द सेम वे, जितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज की जानी है इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर वो हम यहां रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो कॉस्ट बाकी बची वो हम यहां रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारा ये पहले साल का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ये मेरा दूसरे साल का प्रॉफिट या लॉस होगा, दैट्स इट। ये मोटा मोटी हिसाब किताब मैंने बताया, ये जो काम करने का पूरा तरीका है ना, सारा मेहनत इसी पर ही लगना है। आगे चल सकते हैं, समझ में आई बात कि हम क्या बोलेंगे आगे, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अब समझ में आया नहीं आया, ध्यान इसी पर ही देना है। दिस मैथड इज कंसिस्टेंट, कौन सा मैथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैथड। दिस मैथड इज कंसिस्टेंट विद एक्रूवल एंड मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दोनों को ध्यान में रख करके आपको ये बनाना पड़ेगा, एक्रूवल कंसेप्ट को भी मैचिंग कंसेप्ट को। एक्रूवल कंसेप्ट को ध्यान में रखा, मैचिंग को नहीं रखा तो गलत है, मैचिंग को ध्यान में रखा, एक्रूवल को ध्यान में रखा तो गलत है, दोनों को साथ साथ लेकर चलते भी वैसे ही है, लेकिन यहां थोड़े थोड़े कंफ्यूजन या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगी हमारे सामने। बस एज डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, जैसे हमने शुरू में ही बोला था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्टली लॉन्ग टर्म, दे टेक्स मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर टू कंप्लीट। दिस मींस द फाइनल आउटकम यानी प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन यू कैन फाइंड एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ या ना। It is nevertheless possible to recognize revenue annually in proportion of the progress of work to be matched with corresponding construction contract in that year. क्या मतलब निकला इसका, कोई बताएगा हमको? Nevertheless का मतलब मैंने बताया था ना एक बार, फिर भी, यद्यपि, फिर भी, हाँ बोलो। It is nevertheless possible, यानी ये possible है, nevertheless का मतलब possible नहीं है, नहीं, ये फिर भी possible है, इसका मतलब ये निकला। Nevertheless का मतलब नेगेटिव मत ले लेना, ठीक। ये फिर भी पॉसिबल है कि रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू एनुअली, कैसे, प्रोपोर्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जितना काम आपने किया है। मान लो मैंने कहा 50 करोड़ का मैंने काम लिया, और मैं कहता हूं कि ईयर वन में मैंने 30% काम पूरा कर लिया, तो इसका मतलब दो साल में अगर काम कंप्लीट हुआ है तो 70% काम कहां कंप्लीट हुआ होगा, और अगर 50 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था तो इसका मतलब पहले साल की सेल कितनी मान लेंगे और इस साल की सेल कितनी मान लेंगे। अरे कितना आसान है, नहीं, लेकिन फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई, चलें आगे। इट इज नेवरदलेस पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एनुअली इन प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क टू बी मैच्ड विद द करिस्पोंडिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉस्ट इनकर्ड इन दैट ईयर। फिर मैं बताऊं, मान लो मैंने, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, 50 करोड़ रुपए आपने रेवेन्यू सेट की थी कि आपकी दोनों साल की मिला करके दो साल में काम कंप्लीट होगा, दिस वुड बी योर रेवेन्यू, और हमने उस समय सोचा था कि मेरी कॉस्ट लगेगी 40 करोड़, और फर्स्ट ईयर में मेरी जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 12 करोड़, इसका मतलब सेकंड ईयर में मेरी कॉस्ट लगेगी 28 करोड़, नहीं, अरे बोलो ना, हाँ या ना। अच्छा, बता सकते हो क्या कितनी कॉस्ट हमने लगा दी टोटल, थर्टी परसेंट, क्या दिक्कत है क्या इसमें, तो इधर कितनी लगी कॉस्ट दिख रहा है, तो बस यही 30% तुम यहां रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, कितनी, अब समझ में आई बात। कॉस्ट को बेस लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, किसको, कॉस्ट को बेस लेकर के, और यहां पर देखो यही सेंटेंस दिया है, मैं फिर से इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे इसको बोल्ड करना चाहिए था, रह गया,
देखो, इट इज नेवर द लेस पॉसिबल, ये फिर भी ठीक है कि हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें एनुअली, किस रेशियो में, इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्क टू बी मैच्ड, जितना काम पूरा हुआ है, करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन दैट ईयर, जितना उस साल कॉस्ट खर्च हुआ है, उस रेफरेंस में आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। ये भी एक अच्छा तरीका है, लिखा है, ये हो गया। अच्छा, दिस मैथड ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड द स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैथड और परसेंटेज कंप्लीशन मैथड प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। छोड़ो, आगे देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो अब ये मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है, ये समझ लो की पॉइंट्स हैं तुम लोगों के लिए, जो हमेशा यहाँ पर सेट होने चाहिए, जिसके बेस पर ये चैप्टर है। गलतियां यही होती हैं। पहला पॉइंट क्या है, AS 7 प्रेस्क्राइब करता है कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड वहां यूज मत करो जहां पर ये पॉसिबल ना हो। मैंने क्या बोला, AS 7 वहां यूज मत करो जहां पर ये पॉसिबल ना हो पाए कि आप अच्छे तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक इसमें कीवर्ड दिया हुआ है, रीजनेबल एस्टिमेट, ये, और इसी रीजनेबल एस्टिमेट पर देखो ना, ये और ये बना हुआ है। इस एक लाइन ने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज किया। मैं फिर से बोलता हूं, अदरवाइज देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन। आप कॉस्टिंग में जाते हो, वहां पर कुछ और तरीके से पढ़ते हो, लेकिन जब अकाउंट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की बात आती है, इट शोज यू अ डिफरेंट थिंग, आपको बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है। इसने क्या बोला कि आप परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लीशन मेथड वहां यूज नहीं करोगे जहां पर फाइनल आउटकम एस्टिमेट रिलायबली नहीं किया जा सके। बात खत्म। इसका क्या मतलब हुआ, जरा अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, फिर हम एक बार जोड़ करके देखेंगे। कहता है, इन रियलिटी द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, मैं जो बोल रहा हूं रियलिटी में एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन सच कॉन्ट्रैक्ट इन इज नॉट पॉसिबल। कुछ केसेस में हम एक्चुअल में नहीं जान पाते कि क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, रियलिटी में नहीं पता कर पाते हैं, इसीलिए कंपनी यूज करती है डिफरेंट एस्टिमेट्स टू अराइव एट पॉसिबल कॉस्ट दे आर लाइकली टू इनकर फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं इसका क्या मतलब है, छोड़ देते हैं, अभी भी नहीं समझ में आएगा। जरा इसके दो पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं। एस्टिमेट करते हैं रिलायबली फाइनल आउटकम को, किसको, फाइनल आउटकम को। फाइनल आउटकम का मतलब जो पैसा हमें मिलना है, रिजल्ट मिलना है, और रिजल्ट दो मेथड से मिलता है, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मेथड से मिलता है और एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड से मिलता है। अभी अभी बताया दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ या ना। जब हम फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ऊपर जो पढ़ाया दो मिनट के लिए भूल जाना, बाद में हम इंटररिलेट फिर करेंगे, दो जो पढ़ाया ऊपर कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, सब भूल जाओ। यहां पर अब इतना ध्यान दो कि AS 7 आउटकम के बारे में बात करता है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली व्हेन द फॉलोइंग ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये चारों की चारों कंडीशंस अगर एक साथ सेटिस्फाइड हो गई तो आप मानोगे रिलायबली एस्टिमेट किया जा सकता है फाइनल आउटकम। और जब रिलायबली एस्टिमेट कर लिया जाएगा फाइनल आउटकम तो ही हम AS 7 लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अब समझ में आई बात, क्लियर है। यानी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में जब रिलायबली एस्टिमेट आप फाइनल आउटकम कर लेंगे, ये चारों कंडीशन पूरी कर लेंगे, तभी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब तो कुछ क्लियर हुआ। क्या बोलता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जो हमें पैसा सामने वाले से मिलना है, जिस पे फाइनल हुआ है, उसकी हम मेजरमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं, कितना मिलना है, कितना मिलना बाकी है और कितना मिल सकता है। ओके,
इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज. जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कुछ फायदा या घाटा सोच करके लेते हैं, कभी कभी फायदे का काम सोच करके लेते हैं और कभी कभी घाटे वाला भी सौदा ले लेते हैं. अरे बोलो ना. हाँ हाँ, कभी कभी हम घाटे का भी काम अपने हाथ में ले लेते हैं. ये है वो रास्ते जो पढ़ोगे. पहले अब इसको समझ लें फिर ऊपर चलेंगे, ठीक है ना. क्या बोलता है कि वी मे आर्ग्यू दैट वाई वुड एन एंटिटी एंटर इनटू अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. क्यों कोई एंटिटी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, जाती है अनजाने में या जानबूझकर? जानबूझकर के भी, अनजाने में भी और जानबूझ करके भी. चले. इट कैन हैपन दैट आफ्टर हैविंग एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ सडन राइज इन द प्राइस और द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लेबर फलाना एंड डिमाका. हमने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद आप कुछ पता चला, ओहो ये क्या हुआ, ये तो हमने सोचा ही ना था. प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, ये तो हमें नुकसान हो रहा है. इनिशियली वी आर नॉट नोइंग दैट, बट आफ्टर एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट इट हैपन्स सडनली. चले आगे. दूसरा, अनदर रीजन इज दैट एन एंटिटी मे एंटर इन टू अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इज टू पेंट्रेट द मार्केट. मार्केट को अपनी ओर खींचने के लिए. मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, बताऊंगा नहीं, नहीं चल रहा है बढ़िया से. तो स्टार्ट किया था तो लोग कह रहे थे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, कौन आएगा. मैंने कहा ठीक है. पहला जो कॉस्ट लगना था वो मेरा लगना था नियर अबाउट इतना, जो हमको ऑर्डर मिला कितना लगना था, 25,000. मुझे मालूम था ये 25,000 से 27,000 का खर्चा है. और जब मैंने वो काम स्टार्ट किया तुरंत 3 दिन के अंदर वो ऑर्डर आया. अब यहां तो हम 25,000 कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट वसूलें, या क्या करें, क्या करें? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या करते बताओ ना बाबू. हमने ये काम 11,000 में किया. कितने में लिया? ओनली फॉर द पर्पस टू पेंट्रेट द मार्केट. अब जब मैंने 11,000 में लिया, सामने वाला फूल कर कुप्पा, उसको क्या पता, उसको लगा हम बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ बन रहे थे. अब समझ में आई बात कि भाई एक बार ऑर्डर तो आने दो, उसके बाद तुम्हारा देखा देखी बहुत ऑर्डर्स आएंगे. और जब वो ऑर्डर आया तो दुनिया ने कहा वाह भाई वाह, ये तो शुरुआत ही बढ़िया कर दिया, अपने आप काम चल गया. मेरी बात समझ में आई? नहीं समझे? मुझे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं करनी पड़ी. अगर मैं ये काम नहीं करता तो शायद मुझे 50,000 की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ती, मैं बच गया उससे. अच्छे खासे नंबर ऑफ कस्टमर्स तक मेरी रीच पहुंच गई फर्स्ट डे में ही. अब बात समझ में आई? नहीं. अनदर रीजन इज दैट एन एंटिटी मे एंटर इन टू अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इज टू पेंट्रेट द मार्केट. अब रीजन समझ में आ गया होगा. Therefore, it is not uncommon for companies to sometime enter into the loss-making contract. तो जानबूझ करके भी लोग loss-making contract में जाते हैं कि ठीक है कर लो, देखा जाएगा और फायदा ही मिलेगा, कस्टमर तक तो पहुंचेंगे. समझ में आई बात? अब वापस चले ऊपर, वापस आते हैं. मैंने कहा AS7 वहीं यूज कर सकते हैं आप जहां पर AS7 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आप वहीं पर यूज कर सकते हैं जहां पर आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू यानी कि फाइनल आउटकम को रीजनेबली एस्टिमेट कर सकें. अब इसके लिए मैंने कहा कि दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में हम रीजनेबली एस्टिमेट कैसे कर पाएंगे अगर ये चारों की चारों कंडीशन पूरी हो जाए. पहला कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली. हमें मालूम है टोटल हमें इतना मिलेगा, पहली चीज हमें टोटल इतना मिलेगा. दूसरा, इट इज प्रोबेबल कि हमारे पास जो इनफ्लो आना चाहिए किस चीज का, इकोनॉमिक बेनिफिट का, फायदे का, वो पक्का आएगा.
और नहीं आया तो वो भी देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, इससे भ्रमित होना मत. इट इज प्रोबेबल दैट इन द इकोनॉमिक दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज. अब चाहे इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट, हम एस्टिमेट तो कर ले रहे हैं क्या पैसा मिल जाएगा, हाँ एस्टिमेट कर ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या पैसा मिल जाएगा, हाँ यही सोचना है. पहले ने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगी, हाँ एस्टिमेट कर सकते हो, हाँ पहले साल का इतना दूसरे साल का, हाँ क्या वो मिल जाएगा, विल फ्लो यस. तो ये दूसरी कंडीशन. तीसरी, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ओके टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट और जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर लगने वाली कॉस्ट है और जो फर्स्ट ईयर में लगने वाली कॉस्ट है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर लगने वाली कॉस्ट है और फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में लगने वाली कॉस्ट है, उसको आप मेजर कर सकते हैं. आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये हमें मिलेगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो रीजनेबली फाइनल है, आउटकम है, लेकिन ये हमें मिल जाएगा, फ्लो करेगा हमारे पास. दो चीजें, रेवेन्यू से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कॉस्ट, पूरे ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, ये हम पता कर सकते हैं. ये फर्स्ट ईयर में कॉस्ट लगेगी, ये सेकंड ईयर में कॉस्ट लगेगी, हम ये भी रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हैं. अब बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई कुछ कुछ? अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड लेवली सो दैट द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू द कंपेयर विद द प्रायर एस्टिमेट. ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, बस इतना याद रखो. पहली कंडीशन क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेजर्ड रिलायबली. क्या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेजर्ड कर सकते हैं रिलायबली? हाँ. क्या वो आएगी फर्म में, पैसा फ्लो करेगा फर्म में? हाँ. यानी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उसका? हाँ. तीसरा, क्या उससे रिलेटेड पूरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और पार्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अलग अलग कर सकते हो क्या? हाँ. बात खत्म. इतनी अगर कंडीशन पूरी हुई तो AS7 अप्लीकेबल होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैथड. AS7 के हिसाब से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैथड, मैंने क्या वर्ड यूज किया, AS7 के हिसाब से कौन सा मेथड? अच्छा, पक्की बात, मैंने यही वर्ड बोला. थोड़ी देर में ये पढ़ोगे, ए बी और सी, शायद आज ना पढ़ पाओ लेकिन यहां तक पहुंचना है हम लोगों को. वापस चलते हैं, इसमें क्या है, तीन मेथड्स बताए गए हैं, प्रोपोर्शन के हिसाब से, सर्वेयर मेथड के हिसाब से, फिजिकल प्रोपोर्शन के हिसाब से. तीन अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, उनको ये डिफाइन किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है. ठीक है ना, ये कंप्लीशन स्टेज तीन तरीकों से निकाली जा सकती है. कितने तरीकों से हैं, तो कई तरीके, लेकिन हम तीन तरीकों को यूज करेंगे AS7 के हिसाब से. जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है, कितने तरीकों से निकाल सकते हैं? कई तरीकों से, लेकिन हम लोग कितने तरीके यूज करेंगे यहां? तीन तरीके यूज करेंगे. मेरी बात समझ में आई? तो अभी हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के इनिशियल स्टेज को फाइंड आउट कर रहे हैं कि कब यूज कर सकते हैं, जब हम फाइनल आउटकम को रिलायबली मेजर कर सके तब. अब फाइनल आउटकम रिलायबली मेजर कैसे होगा, उसके लिए अगर वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो हमारी ये चार कंडीशंस हैं, और अगर चार ही हैं, तीन बताई वो चारों मिक्स हो गई, उसमें चिंता ना करना. और दूसरा मैंने बताया, दूसरा मेथड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल आउटकम कैसे रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो रिलायबली, उसके बारे में कंडीशंस दी हुई हैं. इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है. हम आपके पास जाते हैं, भाई हम आपकी ये बिल्डिंग बना देंगे. आपने कहा कितना लोगे? मैंने कहा नहीं बता पाएंगे. तो आपने कहा भाई ऐसे कैसे नहीं बता पाओगे, हम कैसे फाइनल प्राइस करें? मैंने कहा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतने प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी मटेरियल का दाम अप और कभी डाउन, कभी टमाटर का दाम 40, कभी 150 रुपए, हम कैसे बता दें, हम कैसे बता दें? अब टमाटर मत लेना, हम एग्जांपल दिए है कि नहीं. तो कहने का मतलब ये, तो सामने वाले ने कहा भाई हम कैसे काम कर लें, तो मैंने कहा ठीक है जितनी कॉस्ट लगेगी उस पर हमें 20% मार्जिन दे देना, जितनी कॉस्ट लगेगी उसमें 20% मार्जिन दे देना. तो सामने वाला कहेगा ओहो हमें बेवकूफ समझ रखा है. मैं कहूंगा कैसे? कहेगा तुम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा हमसे चार्ज कर लोगे, कहानी बताई थी. तो हमने क्या उसको पावर दे दी थी? कॉस्ट ऑडिट का पावर मैंने उसको दे दिया था, याद आया? मैंने कहा था ठीक है बेटा तू कॉस्ट ऑडिट करवा लेना, आप तो खुश,
वो कहेगा बहुत अच्छा, उसको तो मालूम है कि हमको कॉस्ट देनी है प्लस 20% देना है, और हम बेवकूफ इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि इसने मुझे कॉस्ट ऑडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी एक बेटर ऑप्शन होता है, यानी दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग तय की जाती है, एक फिक्स प्राइस जिसमें एस्केलेशन और नॉन एस्केलेशन दोनों होता है, और दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में रिलायबिलिटी एस्टिमेट कैसे करेंगे, जरा उसकी बात करते हैं। इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, पक्की बात। अब चूंकि कॉस्ट प्लस है तो हम रेवेन्यू की तो बात ही नहीं करेंगे, ऊपर रेवेन्यू रेवेन्यू चिल्ला रहे थे ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फर्स्ट फिक्स प्राइस मेथड में, अब रेवेन्यू की तो बात ही मत करो क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मेथड से लिए हुए हैं, अंडरटेक किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहां पर रेवेन्यू की बात ही मत करना। वहां किसकी बात करेंगे कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या हमारे फर्म को मिलेगा, यानी जो प्रॉफिट हमारे फर्म को मिलने वाला है क्या वो दिख रहा है आते हुए। दूसरा, द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, दैट्स इट। जो कॉस्ट लगेगी हमारी उस कॉन्ट्रैक्ट में वो हम इजीली, अरे भाई कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, तुम कॉस्ट बेसिस पर लिए तो कॉस्ट को तो आइडेंटिफाइड कर ले, कि वो भी आइडेंटिफाइड ना कर पाओ, जिसके बेस पर ये कॉन्ट्रैक्ट लियो उसको तो आइडेंटिफाई कर लो। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में सेल का बेस था तो उसमें हमने रेवेन्यू को बेस लेकर के चले थे, यहां पर कॉस्ट प्लस में कॉस्ट बेस है तो कॉस्ट को रिलायबली एस्टिमेट कर सको और जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो फ्लो हो सके, यानी कि वहां की दोनों कंडीशन यहां कॉपी कर दी, पहली वाली कंडीशन गायब कर दी। अब समझ में आई बात, अब क्लियर है, पक्का, चार्ट बताने की जरूरत नहीं है, ये सेम वही कॉपी एंड पेस्ट है, वही कंडीशन लिख दिया है, चल सकते हैं आगे। अब जो हम बोलने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों बोर्ड लेटर्स में दिया हुआ है इसीलिए ताकि आप लोग समझें, या जो क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे अभी हम लोग तो इसी पर ही बेस्ड होगा, बेसिकली इन दो लाइंस को समझाने का। मैंने शुरू में बोला कि भाई ईयर वन है, ईयर टू है, यहां मैंने सेल दिखा दी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 करोड़, और यहां दिखा दी 30 करोड़, मान लेते हैं, हाँ या ना। हमने सोचा था टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लगेगी 40 करोड़, कितनी लगेगी 40 करोड़, तो इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो हमने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 40% यहां पूरा हुआ है तो 60%, तो इसका मतलब 40 करोड़ का 40% यहां जाएगा और 60% कॉस्ट, तो यहां 16 करोड़ और यहां 24 करोड़ ऐसे ही जाएगा। अरे बोलो, तो यहां प्रॉफिट हो गया 4 और यहां हो गया 6, टोटल 50 में से 40 गया 10 हो गया, ये बहुत इजी है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो कहां आती है, प्रॉब्लम इन दो लाइनों में है। कहता क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कारण पूरा अकाउंटिंग चेंज हो जाता है। दिस एएस प्रोवाइड्स दैट वेन एवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जितना हमने कॉस्ट सोचा था, ये जो 40 करोड़ लिखा, एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, अगर ये बढ़ जाता है, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करते हैं कि ये किससे, टू द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, उड़ी बाबा, अगर हमें अब अचानक पता चल जाए कि ये कॉस्ट हमारी कितने से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 15 करोड़, तो रेवेन्यू के ऊपर कितनी कॉस्ट बढ़ गई, 50 रेवेन्यू था, 55 कॉस्ट हो गया, हाँ या ना। लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एज इन एक्सपेंसेस इमीडिएटली, आप उस लॉस को तुरंत के तुरंत प्रोविजन बना लेंगे। मैंने क्या वर्ड यूज किया, उस लॉस का तुरंत प्रोविजन बना लेंगे, मैचिंग और एक्रुअल कंसेप्ट यूज करने के साथ साथ अब हमने कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यानी कि प्रूडेंस कंसेप्ट को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, याद आया।
चलो, नहीं समझ में आया, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ज्यादा समझा देगा आपको अच्छी तरह से। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? 3 होगा ये, ठीक है, मेरे हिसाब से 3 है। देखते ऊपर से सीक्वेंस देख लेना। एक्स लिमिटेड कमेंस्ड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2001। इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना है इसको, करने के बाद वापस वही 2 लाइनें हम पढ़ेंगे। द फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वॉज 2 लाख, हमको टोटल कितना मिलना था? 2 लाख। द कंपनी इनकर्ड 81,000 फॉर 45% वर्क्स एंड रिसीव्ड 79,000 एज प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। जरा देखो, हमें टोटल मिलना था 2 लाख और हमने 45% कंप्लीट कर लिया ईयर 1 में, इसका मतलब 55% कंप्लीट होगा ईयर 2 में, यही मतलब हुआ। इसका मतलब मेरी सेल हो गई, मैं नॉर्मल वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेल लिखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ की सेल हो गई मेरी 90,000 और यहाँ की हो गई 1,10,000। बोलो, ये सेल हो गई। अब कहता है कि हमें खर्चा जो था, द कंपनी इनकर्ड 81,000 पहले साल में, यहाँ कॉस्ट कितनी लग गई है? बोल रहा है 81,000 कॉस्ट लग चुकी है। अच्छा, फॉर 45% वर्क एंड रिसीव्ड 79,000 एज प्रोग्रेस पेमेंट, जबकि इसमें से रिसीव्ड कितना हुआ है और ड्यू कितना है? हम यहां पर लिख रहे हैं ड्यू, लेकिन तरीका सही नहीं है ये ड्यू लिखने का, अभी केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। बोलो, तरीका गलत है, मैं गलत कर रहा हूं, ये लिखना नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमें कॉस्ट थोड़ी मिलना होता है, हमें तो 90,000 मिलना होता है ना। अब समझ में आई बात? चलें, अच्छा भाई पैसा क्या लोगे, सेल प्राइस लोगे या कॉस्ट लोगे सामने वाले से? सेल प्राइस का हिस्सा लोगे ना। तो जब 90,000 का मैंने काम किया तो 90,000 दो, उसने दिया 79,000, तो बाकी कितना बचा? 11,000 ना, छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने कहा छोड़ दो, वो काम का नहीं है अभी, हमको जो समझाना है वो समझो। द कॉस्ट इनकर्ड इन द नेक्स्ट ईयर 89,000, इस साल कॉस्ट कितनी लगी है? टू कंप्लीट शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पीएल अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट, छोड़ देते हैं। अब बताओ पहले साल कितने का काम पूरा हुआ सेल, दूसरे साल की सेल कितनी? यही तो है, पहले साल का खर्च कितना, दूसरे साल का कितना? दिस इज योर प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस इज योर प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। खत्म। सामने वाले से पैसा लेना है, किससे? जिसका काम मैंने किया है। पहले साल अगर मैंने उसका काम किया है 90,000 का, कितने का, तो मैं 90,000 लिखूंगा दो, अभी हम कुछ बता नहीं रहे, केवल समझा रहे हैं। 90,000 दो, और उसने हमें केवल 79 दिया, तो बचा कितना? यही वाला जो मैंने कहा था 11,000, 11,000 बच गया। ये 11,000 मेरा बैलेंस पड़ा रहा, अगले साल 1,10,000 का और काम कर लिया, तो पिछले साल का 11,000 बाकी है और इस साल का 1,10,000, टोटल 1,21,000 बाकी है, वो हम ले लेंगे उससे पूरा काम कंप्लीट, पैसा ले लो, झंझट खत्म। सर इसमें नया क्या था? ओफ ओफ, सुनो, AS7 प्रोवाइड्स दैट द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड If the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, यानी ऊपर की कंडीशन अगर पूरी ना हो पाए तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट मेथड नहीं लग पाएगा, तो उस केस में क्या करें? अगर नहीं लग पाएगा तो क्या करें, यह भी तो सवाल है। तो कहा गया रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड एंड रिकवरी इज पॉसिबल। हमने 2 लाख का काम किया, हाथ में लिया, पहले साल 45% दिख रहा था, दूसरे साल 55% दिख रहा था, पहले साल हमें 90,000 लेना था, दूसरे साल हमको 1,10,000 लेना था, लेकिन हुआ ये कि हम रिलायबली मीजर कर ही नहीं पा रहे इसको, 45 और 55 को पता ही नहीं चल पा रहा, पता ही नहीं चल पा रहा कि कितना परसेंटेज काम हमारा फर्स्ट ईयर का है और कितना परसेंटेज काम से, क्योंकि हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हैं रेवेन्यू और कॉस्ट को, तो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं करेंगे। और जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं करेंगे तो जाए कहां? अब आपके सामने दो बातें दिखाई देंगी। पहली बात दिखाई देगी
कि मेरी टोटल कॉस्ट है, कितनी थी टोटल कॉस्ट? नहीं, 81 और 89, 170। मेरी टोटल कॉस्ट है 1,70,000। हाँ या ना? कितनी कॉस्ट है? 1,70। हमने इसमें से केवल पहले साल में जो खर्च किया है वो 81,000 मालूम है, सेकेंड ईयर में मैंने खर्च किया है 89,000, ये भी मालूम है, हाँ या ना? तो पहले साल में जितना खर्च किया है ना, बस इतनी ही रेवेन्यू मान लो, बात खत्म हो गई। सोचना क्या है? सिंपल। जब रिलायबली एस्टिमेट ना हो पाए तो जितना खर्चा और अगर उतनी इनकम, जितना उतनी ही इनकम यानी प्रॉफिट जीरो, लेकिन उस कंडीशन में जब जितना खर्चा किया है उतना मिल जाएगा तो। अब बात समझ में आई? लेकिन अगर हमें लगता है खर्च किया है मैंने 81,000 और मिलेगा हमको 50,000, तो आप रेवेन्यू केवल मानेंगे 50,000, उल्टा लॉस। थोड़ा अजीब लग रहा हूं मैं जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ये दांव पेच समझने के लिए, तभी तो फीस आप लोग वसूल कर पाएंगे सीए बनने के बाद। काहे की फीस मिलेगी नहीं तो? नहीं समझे? भगवान से मना और टफ करो। जितना टफ होगा उतनी फीस मिलेगी। तो अभी तो शुरू हुआ है, ये चिंता मत करना। तो हम फिर कह रहे हैं ये सब चीजें, एक एएस जो होते हैं ना टेक्निकल होते हैं, अगर किसी बच्चे को फंसाना हो ना आराम से, हम फिर बोलते हैं किसी भी बुक को ले आओ रख दो, जितना तुम लोग पढ़ रहे हो इतनी डिटेल्स में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिलीव करो। ये पूरा स्टडी मैट है तुम लोग का, और स्टडी मैट सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए है, आपको ए टू जेड हर चीज डिटेल में बताती है। हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चंस को सही जगह पर रखा, थ्योरी को थोड़ा और एलिबरेट कर दिया, और नए नए पॉइंट्स जो जोड़ सकते हैं वो सही जगह पर जोड़ दिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के वो एड ऑन कर दिए। बात समझ में आई? मैंने केवल इतना काम किया क्योंकि मुझे भरोसा है कि अपनी इंस्टीट्यूट बहुत बेस्ट असाइनमेंट बनाती है, और ये सब चीजें कोई देता ही नहीं, बताता ही नहीं है नॉर्मली, और बहुत आसानी के साथ चाहता तो मैं बता करके 1 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता था बड़े आसानी से, लेकिन ये पॉइंट नहीं पता। लेकिन अब चूंकि आपके सामने एक पूरा एक बोझ आया है कि अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इंटरमीडिएट लेवल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मास्टर बन जाए, इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में आपको इंड एएस के मास्टर बनना है, तो आपसे पूरा का पूरा अच्छी तरह से निचोड़ा जाएगा, एक से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये दिमाग में बैठ जाओ, तो इसीलिए हम इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। फिर मैं फिर बोलता हूं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कहाँ यूज हो सकता है? अभी तुम लोग को लग गया सर बार बार बता रहे हैं, घर जाकर हमको थैंक यू बोलोगे जब दोबारा पढ़ोगे, तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तब ये क्वेश्चन, अभी तो ये सब दिखेंगे मजा आएगा, इस समय थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब घर जाकर के करोगे तो बहुत मजा आएगा कि हाँ आप आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। AS7 कब लग सकता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कब लग सकता है? कब लग सकता है? जब हम उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू को रिलायबली मेजर कर सकें। कब कर सकते हैं रिलायबली मेजर? फाइनल आउटकम को, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेवेन्यू को बेस लेकर के बताया है, और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को बेस लेकर के बताया, बस इतना ही था। फिर उसके बाद कहा कि अगर हमारा रिलायबली एस्टिमेट ना हो पाए तो क्या करें, तो उसके लिए मैंने अभी अभी कहा जितना खर्चा लगा है ना बस उतना ही इनकम मान लो, बशर्ते वो खर्चा भी रिकवरेबल हो बस। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, वही चीज जो अभी बताई वही है, उसी का ही पूरा हिसाब बता रहे। एन एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस, अभी बताया क्या बताया कि 1,70,000 का खर्चा था, पहले साल खर्च हुआ 81,000, हम इसको इनकम मान लेंगे, कितना? 81,000 इनकम मान लेंगे। हम ऊपर वाला रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो हम नहीं जाएंगे, हम 81,000 का खर्चा और उसी खर्चे के बेसिस पर इनकम मान लेंगे, नेट प्रॉफिट वुड बी जीरो। लेकिन अगर ये 81,000 इनकम तब मानोगे जब ये रिकवरेबल हो, अगर आपको लगता है रिकवरी केवल 50,000 की होगी तो इसका मतलब बाकी 31,000 आपका लॉस हो जाएगा, और ये तुरंत रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? ये तरीका है, सुनिए।
एक कंपनी है, उसने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का, आज तक का खर्चा कितना, 3। आज तक का खर्चा कितना और फ्यूचर में कितना खर्चा लगेगा, यानी टोटल मिलाकर कितना और फायदा कितना होगा। बड़ा आसान लग रहा है देखने में, लेकिन आगे वर्ड क्या बोल रहा है, आज तक काम केवल 10% कंप्लीट हुआ है। कितना काम हुआ है, यानी इस 40 लाख का 10% काम पूरा होने का मतलब 4 लाख हमारी रेवेन्यू होनी चाहिए इस साल की, और खर्चा 3 लाख का, तो प्रॉफिट कितना इस साल का, 1 लाख, बाकी 6 लाख का प्रॉफिट अगले साल होगा, टोटल 7 लाख का, 6 लाख का प्रॉफिट अगले साल। लेकिन आगे की लाइन सुनो, द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम एगो एंड देयर इज एन अनसर्टेनिटी। हम अनिश्चितता के दौर में आ गए जहां पर हमारा फाइनल आउटकम जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो हमारा चेंज हो रहा है, फाइनल आउटकम हम पता नहीं कर पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब हमारे ऊपर विपदा आ गई, कंपनी कहती है कि ये तो सर्टेन है कि इट वुड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट, कितना भी नुकसान होगा हम ये तो आपको बता सकते हैं कि जितना मेरा खर्च लग चुका है वो हम रिकवर कर सकते हैं। अर्लियर इट वॉज ओके बट ड्यू टू चेंजेस इन रेगुलेशन नाउ वी आर इन अनसर्टेन पोजिशन, नाउ वी आर जस्ट थिंकिंग दैट यस वॉट एवर द कॉस्ट वी हैव इनकर्ड ऑलरेडी ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच रिकवरेबल, नाउ यू हैव टू एज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वुड बी ओनली रुपीज 3 लैक्स, इससे ज्यादा तो कॉस्ट पूरा मिल जाएगा, बस उतना ही रेवेन्यू मानो, तो 3 लाख की रेवेन्यू, 3 लाख का खर्चा। सुनना ढंग से, 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और 3 + 30 ये टोटल खर्च होना है, कॉस्ट है, इसमें से हमें लगता है 10% काम मैंने पूरा कर दिया तो हम 4 लाख को इनकम दिखाएं, लेकिन कहता है ना 3 लाख आपने खर्च किया है, 4 लाख इनकम दिखाएंगे, बाकी हमने सोचा था 36 लाख अगले साल दिखाएंगे और बाकी 30 लाख का खर्चा अगले साल दिखा देंगे, यही तो सोचा था, अरे यही तो सोचा था, लेकिन हुआ उल्टा, चेंज हो गया रेगुलेशन में, अब मेरे किसी काम का नहीं है ये कैलकुलेशन। बस इतना है कि जो खर्चा मैंने किया है वो रिकवर हो सकता है, तो एक काम करो 3 लाख आप यहां पर रेवेन्यू मान लो। अगर कहता केवल 2 लाख ही कल का रिकवर हो सकता है तो हम केवल 2 लाख ही रेवेन्यू मानते, 1 लाख का नुकसान मान लेते। अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन चीज है। हम लोग को तो यही सिखाया गया है ना, टू मेक ऑल द प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस बट डोंट ट्राई टू एक्सपेक्ट एनी फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट और गेन, यही तो बताया गया अकाउंट्स में फर्स्ट डे से, तो हम लोग प्रूडेंस कंसेप्ट को ही तो फॉलो करते हैं द सेम थिंग। अब क्लियर है, कर लोगे इसको, देखो 3 लाख का रेवेन्यू, 3 लाख का कॉस्ट, प्रॉफिट हो गया नहीं। छोटा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्स लिमिटेड कमेंस करता है कॉन्ट्रैक्ट, इस पेज पर कुछ तो है भूत, वहीं पर आकर रुक रहा है, न पहले न बाद में, ज्यादा आगे। एक्स लिमिटेड कमेंस करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st April 2001, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वॉज रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, ये कौन सा मेथड है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, द कंपनी इनकर्ड 1 लाख ऑफ विच कॉस्ट ऑफ 90,000 इज रीइंबर्सेबल, कंपनी ने 1 लाख का खर्च किया और 90,000 ही रीइंबर्स हो सकता है, कितना, अच्छा अच्छा अच्छा, रीइंबर्सेबल जितना होगा उसमें सामने वाला हमको 10% प्रॉफिट जोड़ करके देगा, पूरी बाबा सामने वाले ने कहा जितनी कॉस्ट लगेगी उसमें हम 10% ऐड करके आपको देंगे, यानी मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। हमने बोला कि हमारा पहले साल का खर्चा है 1 लाख रुपए, बोलो ये एक्सपेंसेस है, लेकिन रीइंबर्सेबल कितना है, सामने वाला हमें 90,000 हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम सामने वाले से रिकवर करेंगे प्लस 10% ऐड करके रिकवर करेंगे क्योंकि ये तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, तो रीइंबर्सेबल अगर 90,000 है तो टोटल मिलाकर हम रीइंबर्स कितना करवा लेंगे रेवेन्यू का,
इसका मतलब 99,000 मेरी रेवेन्यू आ जाएगी। बोल पक्का। आगे क्या कहता है, फर्दर नॉन रीइंबर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर 5,000। नॉन रीइंबर्सेबल, ये रीइंबर्सेबल नहीं, यानी कि मेरा खर्चा है, खर्चा है लेकिन सामने वाला देगा नहीं। मेरा खर्चा है, इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है लेकिन सामने वाला देगा नहीं। हम उस कॉन्ट्रैक्ट पर ऑलरेडी 1,00,000 का खर्च कर चुके हैं और 5,000 रुपए वो खर्च है जो हमें रीइंबर्स नहीं होगा। तो मेरी तो कॉस्ट तो पूरी है ना, उससे क्या लेना देना मेरी प्रॉफिट का। मेरे लिए तो खर्चा खर्चा है। अब 1,00,000 का खर्च हो चुका है, 5,000 का खर्च और होना नहीं, हो चुका है लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरा खर्चा टोटल कितना हो गया, 1,05,000, जबकि हमारी रेवेन्यू कितनी है, केवल 99,000। तो मेरे लिए लॉस कितना हो गया, ये केवल पहले पहले साल का बता रहे हैं। जब हम दूसरे साल पहुंचेंगे तो ये जितने प्रोविजंस बनाएंगे वो रिवर्सिबल होंगे। क्या होंगे, उल्टा। जरूरी है क्या लॉस हो, हम आज लॉस मान रहे हैं लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए तो क्या करेंगे। अब समझ में आई बात, वो बात की बात है, समझ में आई ना। फर्स्ट ईयर में ज्यादा टिपिकल नहीं है, कहां होगा सेकंड ईयर में देखेंगे। ये समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ या ना। फिर से बताते, हमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है हाथ में, उसमें ये कंडीशन है कि जितनी भी रीइंबर्सेबल, वर्ड यूज किया गया है रीइंबर्सेबल एबल, जो कॉस्ट होगी उस पे सामने वाले से हम 10% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके ले लेंगे। पक्की बात है। हुआ क्या, मेरा एक्चुअल कॉस्ट आया है, एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं 1,00,000। कितने, 1,00,000, जिसमें से रीइंबर्सेबल है 90,000। तो हम रीइंबर्सेबल जितना होगा उसमें 10% ऐड करके लेंगे, यानी सामने वाला हमने उसको एक्चुअल में सेल कितने की दी, 99,000 की। हम तो यही कहेंगे मेरी ये सेल हो गई, लेकिन ये सेल हो गई तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 1,00,000 पूरा। अरे बोलो ना, इसके अलावा 5,000 ऐसा खर्चा हुआ है जो नॉन रीइंबर्सेबल है, तो मेरा लॉस कितना हो गया, 6,000। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। चलिए आगे, खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है अब, हाँ ज्यादा नहीं है, टेंशन ना लेना। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्टिविटी, कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो फ्यूचर में हमको करने होते हैं, उससे रिलेटेड खर्चा होगा। क्या होगा, फ्यूचर में काम होगा, नया काम हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ खर्च होगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज करनी है वो हम लोगों ने देख लिया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जितना रिकॉग्नाइज करेंगे ये भी हम लोगों ने अब देख लिया। अब आते हैं द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेट टू फ्यूचर एक्टिविटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट आर हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। फिर बोलू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्टिविटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट आर हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। फिर से बोलूं कि तुम लोग समझने और समझाने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम लोग का दिमाग थोड़ा लो हो रहा है, वो दिख रहा है, समझने की कैपेसिटी शायद नहीं रही है ना, धीरे धीरे दिमाग ब्लैंक हो रहा है, तुम लोग को एक एक तमाचे की जरूरत है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। हाँ, 1,00,000 बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने ये कहां कहा कि 10,000 वो नहीं देगा, फर्स्ट थिंग। इसने कहा सर अगर रीइंबर्सेबल केवल 90,000 है तो आपने खर्च तो 1,00,000 कर दिया, इट मींस द रेस्ट इज नॉन रीइंबर्सेबल, आई डिडंट से दैट।
मैंने ये नहीं कहा इन दिस ड्यूरेशन आई एम कैपेबल टू रिकवर ओनली, आई एम कैपेबल टू रिकवर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द एक्सपेंसेस, रेस्ट 10,000 आई विल बी एबल टू रिकवर इन द नेक्स्ट पीरियड। आप बात समझ में आई? और इसीलिए तो इसने कह दिया 5,000 नॉन रिकवरेबल या नॉन रीइंबर्सेबल है, इसीलिए तो बोल भी दिया इसने, ताकि आप ये ना मान लें कि वो 10,000 नॉन रीइंबर्सेबल है, और मानना भी नहीं है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे रहे हैं, रीइंबर्सेबल का मतलब सामने वाले को हम यकीन दिला सकें कि देखो ये खर्च हुआ। मान लो किसी ने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कहा कि ये लो 5 करोड़ रुपए काम स्टार्ट करो, अब बिल्डिंग बननी है 10 एकड़ जमीन में, 5 करोड़ रुपए उसने दिया, सब तो जमीन खा जाएगी फाउंडेशन बनाने बनाने में। आएगा वो 2 महीने में, कहां काम हुआ है, कुछ तो नहीं दिख रहा, कहां काम हुआ, मैंने कहा जमीन के अंदर देख, कहां काम हुआ हमको तो ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। अरे भैया 5 करोड़ खर्च हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ना कर रहा है देने से, लेकिन उसको काम नहीं दिख रहा, जब दिखने लगेगा तो कहेगा ले लो भैया। अब ठीक है ना, चल बाकी लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो। मैंने केवल एक ही चीज कहा, तुम लोगों से एक ही उम्मीद करते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड को ढंग से पढ़ करके आना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन उसी पर ही सॉल्व होंगे और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। थैंक यू।